व्हाट इज अप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है मेरी और एक नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कस्टम में डेजर्ट ईगल वाला स्टोर कैसे ला सकते हो जहाँ पे UMP और M1014 होता है। तो कभी कभी आप लोगों के कस्टम में मिनी उजी आ जाता है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि डेजर्ट ईगल कैसे लाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आप नॉर्मल कस्टम रूम बना लो। क्रिएट में जाता हूँ, एक पासवर्ड डालता हूँ। मेरे पास कस्टम रूम नहीं है, बस एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। तो आप क्लैश स्क्वाड का बना लीजिए जैसे नॉर्मल आप बनाते हो। मैंने क्लैश स्क्वाड यहाँ पे कर दिया है इसको। अब गेम में जाके यहाँ पे चार तरह के स्टोर है, आप देख सकते हो। पहले नॉर्मली कर लो 13 rounds 1500 जो करना है। फिर ऊपर देखिए, वहाँ पे चार तरह के स्टोर है। पहला वाला है रैंडम स्टोर, सेकंड वाला है कॉम्पिटिटिव स्टोर, थर्ड वाला है क्रेजी स्टोर और लास्ट वाला है हार्डकोर मोड। ये हार्डकोर मोड तो मुझे नहीं पता, पर ज़्यादातर बंदे रैंडम स्टोर में लगा के स्टार्ट कर देते हैं मैच को, इसलिए आप लोगों का मिनी यूजी आ जाता है। कभी कभी डेजर्ट ईगल आ जाता है पर बहुत कम आता है। इसलिए जब भी आप स्टार्ट करते हो तो कॉम्पिटिटिव मोड करके ही, कॉम्पिटिटिव मोड नहीं स्टोर, कॉम्पिटिटिव स्टोर करके स्टार्ट करना, तब हमेशा आपका डेजर्ट ईगल ही आएगा। UMP और M1014 वाला ही स्टोर आएगा हमेशा, मिनी यूजी कभी भी नहीं आएगा। इसलिए जब कस्टम खेलते हो कॉम्पिटिटिव स्टोर करके उसको स्टार्ट कर देना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही बताना था, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। और हाँ, आपका फीफा आर के बैन होने के बारे में क्या ख्याल है कमेंट में लिख दीजिए। जिन लोगों ने पहले से डाउनलोड करके रखा था उनके लिए तो अच्छा ही है, वो लोग खेल सकते हैं, पर जो लोग डाउनलोड करने की सोच रहे थे वो अब डाउनलोड नहीं कर सकते, उन लोगों को फ्री फायर मैक्स खेलना पड़ेगा।